चलो So now we are going to start with a new chapter, and that is the chemical control and coordination. The last chapter of your book, that is chemical control and coordination. And basically in this chapter, this is all about the control and coordination. Control and coordination, as it was deleted from 10th again, I'm saying. 10th में से आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ही डिलीट हो गया था, नहीं तो हम मैक्सिमम वहां पे कवर कर लेते हैं इसके चैप्टर्स, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है, एज द नेम इज सेइंग, कंट्रोल मींस द बॉडी कंट्रोल, है ना। मतलब अगर हमारे ऊपर कोई चीज कंट्रोल करने वाली ना हो तो हम लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल आजाद, हम कुछ भी कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, है ना। वी आर नॉट हैविंग एनी बॉदरेशंस कि हु इज गोइंग टू सी अस एंड हु इज गोइंग टू हैंडल अस और हु इज गोइंग टू बेसिकली हम लोग को जो ना कहने वाला है इन कामों के लिए, या हमें डांटेगा कोई, है ना, तो कोई भी नहीं है हमारे ऊपर। तो फिर हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट फ्री टू हैव एनीथिंग, फ्री टू डू एनीथिंग, है ना। तो ऐसी हमारी बॉडी नहीं हो सकती थी, है ना। हमारी बॉडी में हाथ कभी भी हिल रहे हैं, या हमारी बॉडी में कभी भी हम चल रहे हैं, कभी भी हम रुक रहे हैं, ऐसी चीजें थोड़ा ना हो सकती थी। हमारी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, कब चाहिए कब नहीं चाहिए, ये चीजें पॉसिबल थी ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज, एक मैकेनिज्म्स पूरे सेट है हमारी बॉडी के अंदर जो कि कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को पूरी तरह से, ठीक है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग्स को कंट्रोल करते हैं। आप लोगों ने हमेशा सुना है कि जो एडोलेसेंट फेज होता है उस तक हमारी मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होती है वो हो चुकी होती है ना, ब्रेन की डेवलपमेंट, मेंटल थिंकिंग, ये वो चीजें जो है वो चलती रहती है टिल द मेच्योरिटी एंड इवन टिल एजिंग ऑल्सो, ठीक है। वो तो आपके एक्सपीरियंसेस के साथ आपकी नॉलेजेस हैं जो बढ़ती हैं, है ना। लेकिन अदरवाइज हमारी बॉडी में मैक्सिमम चेंजेस जो हैं वो हो चुके होते हैं बाय द एंड ऑफ द एडोलेसेंट फेज और बाय द ऑनसेट ऑफ द मैच्योरिटी फेज, है ना। तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन लेके आते हैं, देयर आर टू मैकेनिज्म्स, वन इज बाय द सीएनएस, दैट इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वो हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आएगा, दैट इज एक चैप्टर इससे पहले। तो फिलहाल दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है, दैट इज द केमिकल मेथड फॉर ब्रिंगिंग दिस कंट्रोल। व्हाट इज द केमिकल्स दैट द बॉडी इज सेक्रेटिंग, दे आर द हार्मोन्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, दीज आर ऑल द केमिकल्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय अवर बॉडी, राइट। हाँ जी, नहीं टारगेट वगैरह तो ठीक है, लेकिन इनका रोल क्या होता है, एक्चुअल इनका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द, हाँ चेंजेस लाते हैं, वेरी नाइस। सो दिस इज चेंजेस लेके आने वाले आर द हार्मोन्स एंड देमसेल्व्स आल्सो गेट्स चेंज्ड, ठीक है। मतलब वो खुद में भी कंज्यूम अप हो रहे हैं, ये नहीं है कि वो वापस फिर से वैसे ही बन के प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर वैसे ही बन के प्रोड्यूस हो जाते तो हमारे अंदर क्या होता है, एक सेट साइकिल होता है ना। जैसे हमारे फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ओवरी डेवलपमेंट में, एग डेवलपमेंट में क्या होता है, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए, है ना, फॉलिकल्स को बनाने वाला FSH चाहिए। अगर तो वो FSH जैसे गया ओवरीज के अंदर, एक्शन दिया, ओवरी स्टिमुलेट हो गई, वापस फिर से वैसे ही बन गया, तो नवा नवा सिक्रीशन की तो जरूरत ही नहीं थी, है ना। हर बार न्यू सिक्रीट हो, हर बार नवा बने और नवा एक्शन दोबारा फिर से जनरेट हो, उसकी चीजों की तो जरूरत ही नहीं पड़नी थी। सो दीज आर नॉट रिसाइकल्ड, यू कैन से इन योर बॉडी, ठीक है। दीज कांट बी रीयूज्ड, वन टाइम यूज होता है इनका, एक बार इन्होंने एक्शन दिया एंड दे आर एंड अप, ठीक है। लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में जो सिर्फ फासन अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, दे एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट एंड दे देमसेल्व्स आर आल्सो अगेन टेकन बैक एज इन द सेम फॉर्म एज दे वर गिवन टू द रिएक्शन, ठीक है। वो वापस फिर से उसी फॉर्म में हमें वापस फिर से मिल जाते हैं जैसे कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। नो डाउट सिक्रीशन तो वो भी होती है, लेकिन वो लिमिटेड सिक्रीशन होती है फिर उनकी, ठीक है। एवरी टाइम द कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड सिक्रीशन दे आर प्रोवाइडेड बाय द केमिकल्स एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल्स which are not the enzymes but only the hormones. So these are the chemicals that which brings the control and coordination. Now we have talked about the control word. What is coordination? The same which I gave you an example, that is FSH secreted by the brain and it is giving the rise to the egg cell which is there in the ovary. है ना, तो जब भी एग सेल की सिक्रीशंस, मतलब एग सेल को प्रोड्यूस करने के लिए सिक्रीशंस मिल रही हैं बॉडी के अंदर, दैट इज इट इज कोऑर्डिनेटिंग, है ना। वी आल्सो नो दैट देयर आर मेंस्ट्रुअल साइकल्स, राइट, दैट इज अ 28 डे साइकिल एंड हु इज एक्चुअली इनिशियलाइजिंग द प्रोसेस आफ्टर दीज 28 डेज, इट इज ओनली द ब्रेन और द ग्लैंड्स दैट विच आर इन्वॉल्व, है ना। तो वो क्या है, एक सेट वे में
एक रेगुलेटेड वे में हमारे पास ये कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो चल रही है बॉडी में, वन थ्रू द न्यूरल कंट्रोल, सेकेंड थ्रू द केमिकल कंट्रोल. ठीक है, सो हेयर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. डन. सिक्रीट होते हैं, हाँ नवे नवे सिक्रीट होते हैं ना, नवे नवे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ ही है सिंपल, हमारी हाइट है. ठीक है, हमारा डीएनए जो है, हमारे डीएनए सेल्स के ऊपर जो डीएनए है उनमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है व्हाट टाइप ऑफ द हाइट वी विल बी हैविंग बिकॉज इट इज आवर हेरिडिटरी, है ना. जो पेरेंट्स लंबे होते हैं तो कहते हैं कि बच्चे भी लंबे होंगे, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है. रिसेसिव करेक्टर, अगर ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट छोटी थी तो वो रिसेसिव भी आ सकता है. ठीक है, तो दैट इज ऑल कोडेड ऑन द डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, रीडिंग द डीएनए अवर बॉडी दैट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स. ठीक है, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उतना जीएच इज द ग्रोथ हार्मोन, वो उतना जीएच सिक्रीट करेगी जितना हमारी इंफॉर्मेशन डीएनए ने दी है. उतना जीएच उसने सिक्रीट किया जितना डीएनए के ऊपर लिख के आ गया कि मतलब नाउ दिस इज द हाइट ऑफ द पर्सन, एंड इतनी हाइट तक वो ग्रो करेंगे. हाँ, अगर हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले लें, कुछ दवाइयां खा लें, कुछ ऐसे इफेक्टिव दवाइयां मेडिसिन होती हैं जो हल्का सा इफेक्ट और डाल देती हैं, जिससे हल्की सी इनिशिएशन और हो जाती है, मतलब आपकी लेंथ वगैरह जो अगर हाइट है तो वो और बढ़ जाती है. दैट इज बिकॉज वो उन ग्लैंड्स की स्टिमुलेशन को बढ़ाती है, कि मतलब वो ग्लैंड जो है वो और स्टिमुलेट करें उस हॉर्मोन्स को, और हॉर्मोन्स हमारे आगे फिर से ग्रोथ में चेंजेस लेके. ठीक है, सो दैट इज द सिक्रीशंस विच आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट अ न्यू एंड फ्रॉम द ग्लैंड्स दैट आर प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन्स. डन जी. हाँ जी, क्लियर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द हॉर्मोन्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Already we have classified the glands, I guess. Animal tissues में मैंने आपको बताई थी 3 types of the glands, endocrine, exocrine and heterocrine. किया था? Heterocrine नहीं किया. Heterocrine होता है दोनों का mixture. दो हम कर चुके हैं, endocrine और exocrine. Endocrine होते हैं जो ductless glands होते हैं, है ना, exception being the hypothalamus. Hypothalamus is having one small duct. Or you can say a stalk-like structure which combines the pituitary. ठीक है, तो that is an endocrine gland. Exocrine gland हमेशा ducted होते हैं. Endocrine glands जो होते हैं, they are the ones that is तीन तरह के glands हैं. ठीक है, endocrine, exocrine. अगर किसी ने पहले नहीं लिखे हैं तो please लिख लो अभी. The glands are of 3 types. Number 1, number 2, and number 3 is exocrine. These are ductless, they are ducted. ठीक है, heterocrine के बारे में अभी नहीं देखो. Endocrine जो होते हैं, they are producing the hormones and the exocrine produces the enzymes. Endocrines, they are producing the hormones and their secretions, they lie up far away. ठीक है, secretions का जो role है, जो action है, जो target site हम कह सकते हैं, वो usually उस organ से, उस gland से दूर होता है. ठीक है, लेकिन exocrine में it is just the next one. Immediately the next one is the exocrine gland के साथ जो associated होगा वो उसका gland होगा या organ होगा, तो वो होगा उसका target site. ठीक है, that is the exocrine gland के अंदर, right? तो इसमें enzyme और hormone की हमने बात कर ली. These are secreting hormone, exocrines are secreting the enzymes. As these are secreting the hormones and the exocrines they secrete out the enzymes, and I say हेट्रोक्राइन वो होते हैं जो दोनों का रोल प्ले करते हैं. तो क्या सिक्रेशन देंगे? ये दोनों देंगे. ठीक है, सो ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे ड्यूअल रोल, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दे प्ले द ड्यूअल रोल. ड्यूअल रोल होता है इनका. ड्यूअल रोल मीन्स हैविंग बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज exocrine, है ना. So playing the dual role, there are three glands that which you are going to study. One is the pancreas, another is ovaries, and then another one is testis. The ovaries and testis together are called as gonads. Okay, done. ठीक है, सो हेट्रोक्राइन आर दोज विच प्ले द रोल ऑफ द बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाज. अब पेनक्रियाज के अंदर डुअल रोल कहाँ आता है? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है 10th में. पेनक्रिया सिक्रेट्स व्हाट एज फॉर द डाइजेस्टिव रोल? तीन सिक्रीशंस होती हैं,
अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, है ना। सो ये क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स को तोड़ने के लिए, फूड कंपोनेंट्स को तोड़ने के लिए तीन सिक्रीशंस दे रहा है, और वो तीनों सिक्रीशंस जो है हमारी जस्ट नेक्स्ट ऑर्गन यानी कि ड्यूडेनम में जाती है ना। पिट्यूटरी इज कंबाइंड टू द सी शेप स्ट्रक्चर, दैट इज ड्यूडेनम। तो इसकी जो सिक्रीशंस है वो सीधे ड्यूडेनम में जा रही है, डक्टेड है, पैंक्रियाटिक डक्ट का यूज करती है, ठीक है। तो वो सारे फीचर वाइज इट इज एक्सोक्राइन, क्योंकि वो डक्ट यूज कर रही है, सिक्रीशन उसकी एंजाइम है, डाइजेस्टिव रोल प्ले कर रही है, है ना, और वो नेक्स्ट ऑर्गन में डाल देंगे। सो वेरी नियर बाय उसका टारगेट साइट है, सारे फीचर्स मैच हो गए, एक्सोक्राइन, ठीक है। लेकिन ऑन द सेम हैंड दीज सेल्स, द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, दे ऑल्सो सिक्रीट द इंसुलिन और ग्लूकागॉन, है ना, इंसुलिन भी सिक्रीट करती है। अब ये जो इंसुलिन सिक्रीट होती है वो किसी डक्ट के थ्रू हमारी ड्यूडेनम में नहीं जा रही, ये कहाँ जाती है, पैनक्रियाज है, पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स लगे, तो इंसुलिन फ्रॉम हेयर टू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली जाती है एंड पूरी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये स्प्रेड होती रहती है। अब इसका रोल क्या है, दैट इज टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, है ना, ब्लड का शुगर लेवल को कंट्रोल करना, दैट इज द रोल ऑफ इंसुलिन, यू नो दैट, है ना। सो ये क्या है, इट इज प्लेइंग द डुअल रोल। अब सेकेंड जो मैंने बोला दैट इज फॉर द इंसुलिन, इंसुलिन के केस में इट इज नॉट यूजिंग एनी डक्ट, डक्ट ने ना यूज किया, सिर्फ सरफेस के ऊपर से ब्लड वेसल्स में डाल दिया मटेरियल जो भी था, है ना। सो इट इज नॉट यूजिंग एनी डक्ट मींस दैट इट इज जस्ट गोइंग टू बेसिकली प्रोवाइड इट एज अ होल, पूरी बॉडी के अंदर भेजेगा एंड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम भेजेगा, और जो हमारे एक्सोक्राइन्स होते हैं वो डक्ट के साथ भेजते हैं, अगले ऑर्गन में भेजते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के साथ पूरी बॉडी में भेजता है, ठीक है। और बॉडी में पूरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल करेगा इसका सिक्रीशन, दैट इज इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन लोअर्स डाउन, आगे हम पढ़ेंगे, इंसुलिन लोअर्स डाउन द ब्लड शुगर लेवल एंड ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल इफ इट इज गोइंग डाउन, ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ जी, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट विद द अदर ग्लैंड्स इन डिटेल्स नाउ, डन। ये सारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर में लिखा हुआ है, इफ यू विल रीड, ये सारी चीजें ही होंगी उसके अंदर, यू कैन प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड मेड बी द इंट्रोडक्शन और बी द समरी, ठीक है। जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना उसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सीधा ही डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, है ना, हम स्किप कर देते हैं इंट्रोडक्शंस एंड समरीज को। तो कुछ एक चीज अगर समरी में या कहीं इंट्रोडक्शन में कुछ अलग लिखी होती है तो उनमें से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है। एंड यू कांट चैलेंज कि ये कहाँ से आ गए, एनसीईआरटी से ही आएगा। और मैंने पहले भी बताया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो प्लीज आपकी एनसीईआरटी की बुक की जो बैक एक्सरसाइजेज है ना वो आपने सबने जरूर सॉल्व करनी है, ठीक है। देर आर सम क्वेश्चंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल बट नॉट द ऑनलाइन वंस, देर आर सर्टन क्वेश्चंस इन द बैक एक्सरसाइज दैट विच डोंट हैव एनी कंसर्न विद द चैप्टर इवन, मतलब वो शायद उसका कंसर्न भी ना होगा या शायद उसका कंटेंट चैप्टर में गिवन भी ना होगा, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन है तो हम भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर द आंसर्स यू कैन हैव द रेफरेंस बुक्स, और इफ स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट आंसर करेक्टली इन टू योर माइंड, मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसका रेफरेंस चार्ट सारा दिया हुआ आपकी रेफरेंस बुक्स में, एनसीईआरटी फोल्डर्स के अंदर सारे क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम देयर, यू कैन सॉल्व इट आउट बाय योरसेल्फ, एंड स्टिल इफ यू डोंट हैव द करेक्ट आंसर, यू आर हैविंग सम कंट्रोवर्शियल आंसर इन योर माइंड एंड यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, देन यू कैन आस्क मी, ठीक है, डन, ओके। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट हार्मोन और द ग्लैंड, सॉरी, दैट इज हाइपोथैलेमस gland, hypothalamus gland. Now hypothalamus, this gland is called as the master gland. This is master gland. Why this is called as master gland? This is because this is the master gland in our body. है ना, मतलब क्या है इसका, master gland कौन है हमारी body का, pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर का मतलब क्या हुआ, मास्टर वो, जैसे एक सर्कस में होता है ना टाइगर को जो चाबुक के साथ वो करता है क्या, संभालता है ना, कंट्रोल करता है, तो दैट इज द मास्टर ऑफ दैट टाइगर इन द सर्कस, है ना। तो मास्टर मीन्स हु हैज टू कंट्रोल द होल ऑफ द थिंग, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। सो द मास्टर ग्लैंड इन अवर बॉडी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, and who controls this master even, that is hypothalamus, so it is called as master gland, theek hai, gland z nahi likhna, s nahi likhna, master of master gland,
ठीक है, मास्टर ग्लैंड एक ही है, उसका मास्टर भी एक ही, ठीक है। गेटिंग, कैसे करता है ये कंट्रोल मास्टर, ये किस तरह से इस मास्टर ग्लैंड की कंट्रोलिंग करता है। हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन फ्रॉम द फोर ब्रेन, ठीक है, ये फोर ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड, उसके बेसल पार्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, एंड इट इज हैंगिंग लाइक फ्रॉम द डायएनसेफेलॉन विच इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। यू कैन जस्ट राइट डाउन, इट अराइजेज एट द बेस ऑफ द डायएनसेफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट है डायएनसेफेलॉन। आपको पता है ब्रेन के थ्री पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी आगे पार्ट हैं, डायनसेफेलॉन इज वन ऑफ दोज, ठीक है। बाकी हमारा पूरा जो कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है, दैट इज अ सेरिब्रम, दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। सेकेंडरी आर द डायनसेफेलॉन एंड द ओल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है, ये फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। उनमें से डायनसेफेलॉन के बेस से अराइज करता है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। द हाइपोथैलेमस ग्लैंड दिस हैज पर्टिकुलरली द टू सिक्रीशंस। बेसिकली इसकी दो तरह की सिक्रीशंस आती हैं जिसकी मदद से ये कंट्रोल कर पाता है इस मास्टर ग्लैंड को। मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी को जब इसने ऑन या ऑफ करवाना है, यानी या तो ये सिक्रीशन अलाउ करेगा कि तुम सिक्रीशंस करो, या कहेगा कि तुम अब सिक्रीशंस रोक दो। अभी हमने यही बोला था ना कि FSH 28 डेज का साइकिल पूरा करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाने के लिए। एग दोबारा प्रोड्यूस होगा, फिर से वो पूरी जनरेशन अपनी जनरेटिव जो उसकी क्या कह सकते हैं स्टेजेस हैं उनमें से निकलेगा, है ना। तो ये कौन बताएगा उसको, कैसे ये रेगुलेट होगा, ये हाइपोथैलेमस बताएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने जब पिट्यूटरी की सिक्रीशन को एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करवाना है, इट विल बी रिलीजिंग आउट द रिलीजिंग हॉर्मोन्स, RH, इन शॉर्ट वी राइट RH। सो द हॉर्मोन, इफ रिलीजिंग हॉर्मोन इज सिक्रेटेड, दैट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी। And if IH is given out by the hypothalamus, means inhibiting hormone. So if inhibiting hormone is given out by the or secreted out by the hypothalamus, that means the pituitary has to stop its secretion further. ठीक है, clear? दो तरह के generalized इसके आप कह सकते हो features हैं, दो तरह के secretions हैं इसकी, कि ये या तो releasing hormone secrete करेगा या inhibiting करेगा, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है तो पिट्यूटरी अपनी हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर इनहिबिटिंग करेगा तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा। बट ये ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं आप पढ़ेंगे आगे बहुत सारे हैं, तो पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स के लिए सिर्फ एक ही RH है, ऐसा नहीं है। मतलब ये नहीं है कि एक बार ही RH सिक्रीट हुआ और सारे के सारे हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है ना। अब FSH तो हमें 28 डेज पे चाहिए, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमें डेली चाहिए, जो हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहेगा, है ना। वो तो हमें डेली चाहिए अपनी फंक्शनिंग के लिए, है ना। ऐसे ही हमारे को पैराथायराइड चाहिए जो कि मेटाबॉलिज्म करता है हमारी पूरी बॉडी का। तो ये चीजें अगर हमारा एक ही बार में रिलीजिंग हार्मोन आ गया इस हाइपोथैलेमस से और वो सारी सिक्रीशंस पिट्यूटरी की ऑनसेट कर देगा तो वो गलत है। तो मीन्स वॉट कि RH इज वन टाइप, उसकी आगे बहुत सारी फर्दर कैटेगरीज है, मतलब बहुत सारी तरह के हॉर्मोन्स है। अगर वो स्पेशली GnRH, वन एग्जाम्पल हेयर इज GnRH, GN stands for gonadotropin, this is gonadotropin, gonadotropin releasing hormone, ठीक है। gonadotropin releasing hormone ये क्या करता है, GnRH as a gonadotropin releasing hormone, it helps to stimulate the secretion of the gonadotropins। समझ आया, मतलब क्या है इसका, GnRH इज अ RH, RH means इट्स अ रिलीजिंग हार्मोन, है ना। जब पिट्यूटरी सॉरी हाइपोथैलेमस ने जब GnRH रिलीज किया तो हमारे पिट्यूटरी के पास सिग्नल क्या पहुंचा कि अब उसने गोनेडोट्रोफिन्स को सिक्रीट करना शुरू करना। गोनेडोट्रोफिन्स आगे फर्दर दो तरह के हैं, LH और FSH, FSH जिनकी मैं बातें करी जा रही हूँ इतनी देर से, है ना। LH इज ऑल्सो वन, आगे बढ़ोगे आप उसके लिए, ठीक है। तो LH एंड FSH की सिक्रीशंस कब बनेंगी, जब ये हमारा हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करेगा, फर्दर वो आगे LH और FSH को स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी, और फिर चेंजेस आएंगी, ये जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स या आगे की फर्दर चेंजेस आती हैं वो, ठीक है। गेटिंग, सिमिलरली देयर इज वन एग्जांपल ऑफ IH, दैट इज सोमेटोस्टैटिन,
somatostatin that acts as a inhibiting hormone for the growth hormone. अब ग्रोथ हार्मोन सारी जिंदगी तो चलता नहीं रहेगा. ग्रोथ हार्मोन इज डीएच, है ना, सारी जिंदगी तो ग्रोथ हार्मोन होता नहीं रहेगा ना रिलीज, तो उसको कभी तो रुकना है. हम कहते हैं कि मैक्सिमम हम लोग अपनी बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंस जितनी हाइट आ जाती है मैक्सिमम वो ही रहती है, हल्का सा थोड़ा और ऊपर नीचे फर्क पड़ सकता है ना. तो वैसे तो आजकल के डाटा ही चेंज है क्योंकि बच्चों की डाइट्स वगैरह डिफरेंट हो जाती हैं और वो सप्लीमेंट्स इतने खाने लग गए हैं. सो वी डू से कि मेल्स में नियरली 20 to 25 ईयर्स तक की एज का ये बढ़ती रहती है हाइट, है ना, बिकॉज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स हैव बीन चेंज्ड. गर्ल्स में भी नियरली 16, 17 या 19 ईयर्स तक की एज के लिए हाइट बढ़ती रहती है. ठीक है, दैट डिपेंड्स, दैट वेरीज अगेन, राइट. बट देयर इज अ फुल स्टॉप फॉर द जीएच सिक्रीशन ऑल्सो. जीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी आर मास्टर ग्लैंड. जीएच उसने सिक्रीट करना है, लेकिन उसको रोकने के लिए कब रुकना है, उसके बाद अगर ये जीएच चलता रहा तो हम लोग तो यूकलिप्टस से भी ऊपर होते है ना. अगर ये जीएच चलता रहता तो जीएच जो है हमारा रुकेगा कहीं ना कहीं आगे. तो वो कब रुकेगा, जब हमारा हाइपोथैलेमस सोमेटोस्टैटिन को सिक्रीट करेगा. गेटिंग. अब कई केसेस में क्या होता है, जैसे ये जीएच है, जीएच इज अ रोल ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है, कई केसेस में क्या है, द टॉलेस्ट पर्सन कितना टॉल है, जो ड्वार्फ है वो बहुत ड्वार्फ है. अब उनके केस में क्या है, अगर तो इसके जीएच सिक्रीटिंग जो सेल्स हैं उनमें अगर ट्यूमर आ गया तो ये क्या है, सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. कहां पहले थोड़े से सेल्स थे, थोड़ा सा सिक्रीशन देते थे, नॉर्मल अमाउंट था, नॉर्मल चल रहा था. अब कब, अभी इसमें क्या हुआ, अगर वो ट्यूमरस हो गए सेल्स, मल्टीपल सेल्स, उसकी जो सिक्रीशन है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो ग्रोथ है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बंदा टॉलर हो जाएगा, है ना. तो टॉलेस्ट जो है उनके केसेस में ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर चेंजेस आए. जो ड्वार्फ है, जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट गर्ल है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, 1 feet की है शायद, है ना, समथिंग यू कैन सी इट फ्रॉम द इंटरनेट, 1 or 1.5 मे बी. तो वो शॉर्टेस्ट गर्ल है ना. तो वाई इज शी सो शॉर्ट इन हर हाइट, दैट इज मे बी बिकॉज जब भी उसकी फिटस की डेवलपमेंट हो रही होगी तो उसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड के वो सेल्स जिन्होंने जीएच सिक्रीट करना था वो वाले सेल्स उस टाइम पे डेवलप नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंटल कॉज, समथिंग लाइक, कुछ भी हो सकता है. एक्सीडेंटली अगर वो स्नब हो गया, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाया, वो पूरी तरह से सेल्स उसके डेवलप ही नहीं हो पाए, एनी चांसेस. ठीक है, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम केसेस, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल केसेस. ओके, गेटिंग. सो दीज आर द हॉर्मोन्स आरएच एंड आईएच दैट विच आर एग्जाम्पल्स, ये हैं आपके पास दो, तो दैट विच आर गोइंग टू हेल्प द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट इट्स सिक्रीशंस फर्दर. गेटिंग, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस जो है, दैट इज फर्दर ऑफ सेकेंड ग्लैंड है हमारे पास. ये लिख लिया आपने सबने, नोट कर लिया हुआ है. तो नेक्स्ट इज हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, दैट इज द मास्टर ग्लैंड, एज इट इज ऑल्सो अटैच्ड, और वी कैन से इट इज इन कनेक्शन टू द हाइपोथैलेमस, दैट इज वाई इट इज वर्किंग विद हाइपोथैलेमस, है ना, क्योंकि वो कनेक्शन में होंगे तभी तो वो हाइपोथैलेमस के साथ काम करते हैं. ठीक है, सो जो सेकेंड हमारा ग्लैंड है दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड. The pituitary gland has a connection. Basically, this pituitary gland has the two lobes. First of all, the pituitary gland hai, it has two lobes. Okay, I'm just making the hypothetical diagram for this. This is, let's say, the two lobes. Okay, the anterior lobe. This is the anterior lobe of the pituitary gland. Anterior pituitary, and this is the posterior pituitary. This has a connection with the hypothalamus with a small stalk-like structure. ठीक है, and above somewhere here is the hypothalamus, something like this. ठीक है, the hypothalamus, right? This is the hypothalamus. Our pituitary is situated within a bony cavity. ये bony cavity है. This is the pituitary, which is situated within the skull. है ना, skull के अंदर है ना हमारा brain. ठीक है, तो वहां पे एक स्पेशल पिट्यूटरी के लिए एक बोनी कैविटी बनी हुई है इसके अराउंड. दिस बोनी कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका. देयर इज अ बोनी कैविटी इन विच द पिट्यूटरी लाइज. ठीक है, हाइपोथैलेमस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फोर ब्रेन. जस्ट इमेजिन, ब्रेन है, ब्रेन में से ये एक्सटेंड कर रहा है, उसमें से ये हल्का सा आउटलेट सा है. ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है लेकिन ये बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और उसके नीचे पिट्यूटरी.
अब पिट्यूटरी के लिए जो हमारा स्कल है उसके अंदर भी ऐसे एक छोटा सा डिप्रेशन बना हुआ है, ठीक है, ताकि उसके अंदर ये पिट्यूटरी लाए कर सके, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल सी एक्सटेंशन थी ना ब्रेन की, ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा हमारा स्कल ऐसा बिल्कुल स्मूथ सीधा नहीं है, उसके लिए भी हल्का सा कैविटी है, एंड दैट कैविटी इज सेलोट्रेसिका, जिसके अंदर ये इस तरह से सिचुएटेड है। समझ आया? दिस इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्टॉक, ठीक है। नाउ देयर इज अ स्पेशल, यू कैन से, जैसे हमने वो सर्कुलेटरी सिस्टम हम बनाते हैं ना लंग्स के साथ, आपने कनेक्शंस बनाए थे, यू रिमेंबर, तो ऐसा वाला मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दीज आर द ब्रांचेस एंड द सब ब्रांचेस एंड दिस इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अ स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम इज गोइंग टू हैंडल द वर्किंग ऑफ दिस इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम, दिस इज अ स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम और एन अरेंजमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एसोसिएट विद हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी दैट विच इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन, ओके। द पोर्टल सर्कुलेशन अगेन यहाँ पे भी इस तरह से जो पूरा एक्सटेंशन देगा और वर्कआउट करेगा, ठीक है। दिस सिक्रीशंस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस दे आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सॉन, उसके बाद नर्व एंडिंग्स, ठीक है, इस तरह से नर्व एंडिंग्स इसको सिक्रीशंस देंगी, ठीक है। ये न्यूरॉन्स हैं, जो सिक्रीशंस मिलनी है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में मिलनी है ना, तो वो क्या है, इसने भेजी एक्सॉन से नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग ने यहाँ पे देनी है इस पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशन इसको कैरी करके लेके जाएगा उस सिक्रीशन को आगे, ठीक है। और वो जो सिक्रीशन यहाँ से आ रही है दैट इज फ्रॉम द पोर्टल सिस्टम, ये सारी जो सिक्रीशन यहाँ आई ये आगे फर्दर निकल के इस एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगी। समझ आया? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन इन बिटवीन, ठीक है। बट द पोस्टीरियर वन दैट हैज द डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, ये इस तरह से न्यूरॉन्स हैं, नर्व एंडिंग्स आ गई है ना, फिर से कनेक्शंस बन गए डेंड्राइट्स के साथ कुछ इस तरह से, है ना, तो ये आप लोगों ने न्यूरॉन्स बनाए हुए समथिंग लाइक दिस एंड इट इज गिविंग आउट ऑल द सिक्रीशंस लाइक दिस, ठीक है। मीन्स व्हाट, जस्ट लिसन टू दिस, ये मैंने बीच में डेंड्राइट्स के कनेक्शंस बनाए, ठीक है, इफ यू कैन सी डेंड्राइट्स के कनेक्शंस, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे न्यूरॉन्स की जो सिक्रीशंस है, पहले क्या था, न्यूरॉन ने इस सिस्टम को यानी कि ब्लड वेसल्स को पूरा अपर एक अरेंजमेंट है जो कि डायरेक्टली नहीं भेज रहा अपनी सिक्रीशंस टू द इंटीरियर लोब, ये इंटीरियर लोब में सीधी नहीं सिक्रीशंस भेजता, थ्रू द ब्लड वेसल्स भेज रहा, पोर्टल सर्कुलेशन से भेज रहा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पोस्टीरियर लोब है इसका, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है, वो सीधा ही कनेक्शन में है विद द न्यूरल कनेक्शंस, मतलब न्यूरॉन्स सीधे यहाँ तक रीच करते हैं और जो भी मटेरियल देना है वो यहाँ पे दे दो, ठीक है। अब इन दोनों की सिक्रीशंस भी अलग अलग हैं, इंटीरियर की सिक्रीशंस अलग हैं, पोस्टीरियर की अलग है, ठीक है। सो विल बी रीडिंग आउट फर्दर, ये क्लियर हुआ, ठीक है। सो दीज आर द न्यूरॉन्स यू कैन लेबल एंड द इंटीरियर इज रेगुलेटेड बाय, दिस इज द डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन है, डायरेक्ट न्यूरल यू कैन से एसोसिएशन है of the hypothalamus to the posterior pituitary lobe. Getting? समझ आया बच्चे? How the two are connected? हाँ जी, क्या anterior, देखो दो lobes है, आपको ये पता लग गया, ठीक है, जो इसका posterior lobe है pituitary का उसमें direct connection आ रहा है, लेकिन यहाँ पे directly neurons reach नहीं कर सकते, ठीक है, that is why there is a special arrangement of the portal circulation. It is not directly giving the signal, but through this portal circulation, तो regulated manner में है। जो भी यहाँ पे आपने उस दिन वीडियो में भी आपको दिखाया था, मैंने भी बताया था कि जो synapse होती है nerve ending है ना, उसके नीचे इस तरह से synaptic membrane है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो जो भी chemicals यहाँ पे आए हैं वो neurotransmitter की form में आए, packed form में, यहाँ आके ये neurotransmitter हट जाएगा, मतलब अपनी सिर्फ secretions आगे भेज देता, ऐसा ही होता है ना, synapse में भेजी, फिर यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे हैं जिन्होंने वो सिक्रीशंस ले लिए आगे भेज दिए, ये ऐसे काम होता है, ठीक है, केमिकल्स इस तरह से आगे जाते हैं। सो दिस इज अ कनेक्शन ऑफ वन नर्व एंडिंग विद द डेंड्राइट, ये वाला, तो ये कनेक्शन डायरेक्टली न्यूरॉन टू न्यूरॉन एंड अप करता है पोस्टीरियर का और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन है डायरेक्ट,
ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, दिस इज डायरेक्ट, यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट ओनली ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर लोब, बट फॉर द इंटीरियर लोब दीज न्यूरॉन्स आर गिविंग द सेक्रेशन नॉट टू द अनदर न्यूरॉन बट द नर्व एंडिंग्स आर अटैच्ड टू द ब्लड वेसल्स। देन जो सेक्रेशन आई अब वो अगले डेंड्राइट के पास नहीं गई है, वो इस सिस्टम के अंदर चलेगी, ठीक है। तो वो सेक्रेशंस यहां से आई, ये सेक्रेशंस आगे बढ़ी, यहाँ पे पहुंची और फिर रिलीज हुई, मतलब सीधी न्यूरॉन टू न्यूरॉन नहीं आ रही, डायरेक्ट न्यूरॉन के कनेक्शंस नहीं है, सेक्रेशंस सेक्रेशंस ही तो आ रही है हाइपोथैलेमस, क्यों नहीं करेगा। अभी आपने पीछे भी तो पढ़ा है एसिटाइलकोलाइन जो है वो सेक्रेशन ही तो है, वो केमिकल ही तो है, इट इज अ केमिकल सिग्नल। इम्पल्स जो होती है मैंने बताया था तब भी दो तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक होती है केमिकल इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स इज वॉट सिग्नल, ठीक है, समझ आया बच्चे ये सारा। सो ये हार्डली आपका 1 or 2 पेजेस ऑफ द चैप्टर होंगे, प्लीज इसको साथ साथ रीड करिए, इफ एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी द नेक्स्ट डे, राइट, ओके। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैविंग एनी डाउट, ऑल क्लियर, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।